नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सब सीखेंगे कि माइक्रोटेंग इन्वर्टर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी बैटरी बैकअप घट जाती है और बैटरी की जो पानी होती है वो दो दिन चार दिन के अंदर ही सूख जाती है। तो चलिए, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, इस फॉल्ट को आप बहुत ही आसानी पूर्वक से ठीक कर सकते हैं और आपको एक भी रुपये पैसा खर्च नहीं करना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है दोस्तों कैसे ठीक होगा, चलिए हम आपको फ्रंट कैमरा कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लाइव प्रूफ सीखते हैं। तो देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, आप सब वीडियो को भगा के मत देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसे पावर ऑन करते हैं और आपको एक बैटरी लगा करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, देखिए इसमें जो बैटरी कटअप होती है, पहले कटअप को सेट करना है, तभी आप जो है इसकी बैटरी की कटअप अगर सेट हो जाती है तो इसके जो ओवर चार्ज होने की प्रॉब्लम है उससे भी आप बहुत ही आसानी पूर्वक से सीख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, हमारे पास मीटर नहीं है, लेकिन हम जो कांटा मीटर है, डिजिटल मीटर नहीं है, लेकिन कांटे मीटर से भी हम आपको अच्छी तरह से इसे हम चेक करके दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हम पहले सबसे पहले इसकी कटअप को हम सेट करना आपको हम सिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बैटरी की जो कटअप होती है उसे सेट करेंगे। कटअप होता क्या चीज़ है, देखिए बैटरी जब हमारी 13 या 14 वोल्ट हमारी बैटरी होती है तो उस टाइम चार्ज हमारी फुल्ली होती है। 14 वोल्ट हो जाती है बैटरी हमारी तो फुल्ली चार्ज हो जाती है। और बैटरी की कटअप जो है, हमारी बैटरी लो की जो कटअप होती है वो हमारी 10.5 वोल्ट में होती है, यानी कि 10.5 वोल्ट में हमारी कटअप सेट होती है, यानी कि उसमें हमारी बैटरी लो की बीप की जो साउंड होती है वो हमारी 10.5 वोल्ट में हमारी आने लगती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे सेट करना सीखेंगे। अगर हमारी 10.5 वोल्ट के बाद हमारी बैटरी लो की बीप बज रही है तो हमारी बिल्कुल इन्वर्टर सही है, ठीक है। अगर हमारी 11 वोल्ट से ही बैटरी की बीप की आवाज़ आ रही है तो उसमें हमारी बैटरी की जो कटअप होती है वो हमारी 15 वोल्ट या 15.5 वोल्ट में हमारी कटअप सेट हो जाएगी। उसमें हमारी बैटरी नुकसान हो सकती है, बैटरी फट भी सकती है, बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है, क्योंकि हमारी ओवर चार्ज हो जाती है, क्योंकि बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज जो है दोस्तों 14 वोल्ट में ही हो जाती है। लेकिन इसमें अगर 15 वोल्ट तक चला जाता है तो बैटरी ओवर हीट होने की वजह से पानी की जो मात्रा है वो हमारी ज़्यादा खींचने लगती है बैटरी से, ठीक है। तो ये तो हम समझ चुके हैं, अब चलिए इसे हम सेट करना कैसे समझेंगे। देखिए बैटरी हमारी अभी जो है 10 वोल्ट 11 वोल्ट पर सेट है, लेकिन इसमें भी हमारी देखिए अभी हम चेक करके दिखाते हैं कितने वोल्ट अभी है बैटरी में, ठीक है। तो बैटरी माइनस और ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट है, ठीक है। और UPS को हम जैसे ही पावर ऑन करते हैं हमारी इन्वर्टर पर आप देख सकते हैं लो की जो बत्ती है ये हमारी जल रही है। तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, चलिए हम सेट करने के लिए हम दूसरा कोई तरीका हम देखते हैं। तो हम थोड़ा इसमें लोड हम घटा देते हैं, ठीक है, इसमें जो है लोड, ये लोड हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। 11 दशमलव कितना वोल्ट है, चलिए अच्छी तरह से आप सब देख लीजिए, 11.8 वोल्ट, यानी कि ये 12.5 वोल्ट तक है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा सप्लाई दे करके देखते हैं, बल्ब की लोड देते हैं, ठीक है। यहाँ जो है हम एक बल्ब लगा चुके हैं जो कि हमारे 10 वाट की बल्ब है, ठीक है। यहाँ 100 वाट की बल्ब हम जैसे इसमें लोड देते हैं दोस्तों ये बल्ब हमारी बंद हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम एक वाइट कलर की जो बल्ब होती है वो 10 वाट की बल्ब हम इसमें लगा के सेट करके रखे हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं बैटरी की जो वोल्टेज होती है हमारी 11.7 वोल्ट तक आई है, ठीक है। अब चलिए हम इसे कुछ देर तक इंतज़ार कर लेते हैं और ये 10.5 वोल्ट होते ही हमारी बैटरी की जो बीप होती है वो सुनाई देने लगेगी। चलिए हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ कटअप हमारी आ चुकी है और देख सकते हैं जितना बार हम पावर ऑन करते हैं ये कटअप हमारी सेट हो चुकी है, ठीक है, देख सकते हैं 10.5 यानी कि 10.6 पर हमारी कटअप हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसमें रंगीन बल्ब लगाए थे उस टाइम हमारी बैटरी जो कटअप हो रही थी बैटरी लो हो ही नहीं रही था, तो इसलिए हम 200 वाट की बल्ब इसमें लगा चुके हैं। अब चलिए हम फिर से दोबारा हम जो है स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बैटरी हमारी
बीप की आवाज़ आ रही है और देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज सप्लाई हम फटाफट आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है बैटरी। देख सकते हैं 10.5 वोल्ट तक हमारी सेट हो चुका है, ठीक है। अब बैटरी देखिए हमारी कट ऑफ हो जाएगी, देखिए तो देख सकते हैं बैटरी कट ऑफ हो चुका है, लेकिन जबकि हमारी लोड ले रही है, ज़्यादा लोड ले रही है। अभी भी बैटरी हमारी 12 वोल्ट है लेकिन कट ऑफ 10.5 वोल्ट में होती है, यानी कि लोड हमारी जो है ये ओवरलोड ले रही है। अब चलिए हम इसे चार्जिंग को हम सेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम चार्ज पर लगा चुके हैं। अब देखिए हम एक जो है एम्पियर मीटर हम इसमें लगा चुके हैं, देख सकते हैं अभी 18 वोल्ट तक हमारी एम्पियर 18 एम्पियर तक हमारी चार्ज अभी बैटरी को दे रही है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है वैसे वैसे एम्पियर जो हमारी घट जा रही है, ठीक है। अब घटेगी तो ये देखिए यहाँ 3 एम्पियर तक जब आ जाएगी तो उस टाइम समझ जाना चाहिए कि बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए बैटरी हमारी जब चार्ज होती है उतना कितना वोल्ट होना चाहिए सेट, कम से कम 14 वोल्ट, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमारे कितने वोल्ट चार्ज है दोस्तों, देख सकते हैं 13.7 वोल्ट, ठीक है। तो जब हमारी फुल्ली चार्ज हो जाएगी बैटरी तो हमारी ये एम्पियर जो है घट के 3 एम्पियर तक आ जाना चाहिए। तो बैटरी हमें ख़त्म करने में केवल 2 से 3 मिनट लगा है, लेकिन इसे चार्ज करने में कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तब तक के लिए हम वीडियो क्या करते हैं पाउज कर देते हैं, 1 घंटा बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं जब हमारी ये बैटरी फुल चार्ज होकर के 3 एम्पियर तक आ जाएगी तब तक, ठीक है। तब तक हम वीडियो को केवल पाउज कर देते हैं और फिर हम आपको चेक करके दिखाएंगे इसमें कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है और इसे कैसे हम सेट करेंगे 14 वोल्ट पर भी, क्योंकि ये 15 वोल्ट तक हमारी चार्ज भेजता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसे सेट करने के लिए क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ जो एक प्रीसेट है, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ जो एक प्रीसेट है, अगर इसे ऊपर की ओर जो है दोस्तों ऐसे घुमा देते हैं तो हमारी बैटरी जो कट ऑफ होती है वो 15 वोल्ट पर होने लगती है। और इसे जैसे ही हम 2 या 4 बार इसे हम राउंडिंग मार देंगे, यानी कि इसे टाइट कर देंगे, 1 2 3 4 बार हम टाइट कर चुके हैं, ये हमारे 14 वोल्ट पर कट ऑफ हो जाएगी। चलिए हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो है दोस्तों 15 वोल्ट पर हो जा रही थी और बैटरी की जो पानी होती थी सूख जा रही थी बार बार, ठीक है। तो बैटरी अभी जो है हमारी गर्म नहीं हो रही है और यहाँ एम्पियर जो है धीरे धीरे घट रही है, देख सकते हैं अभी 13 एम्पियर तक आ चुका है। अब चलिए थोड़ा और देर हम इंतज़ार कर लेते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ही देखते आपको हम दिखाते हैं, देख लीजिए 6 एम्पियर तक चार्ज भेज रहा है, 6 एम्पियर, और पंखा हमारी बंद हो चुकी है, जो पंखा की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए 6 एम्पियर से 3 एम्पियर तक आएगी और हमारी चार्ज जो है फुल्ली चार्ज की सॉकेट दे देगी, देख सकते हैं 3 एम्पियर तक आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से बैटरी की जो चार्ज होती है इसे कटअप को सेट की जाती है, ठीक है। तो कटअप हमारी सेट हो चुकी है और आप सब समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से बैटरी की सेट की जाती है चार्जिंग की, ठीक है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करते हुए नोटिफिकेशन घंटी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।